हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो आज देखेंगे कि बिहार प्रांत की जो मांग हुई थी, ये क्वेश्चन जो बीपीएससी बिहार एसएससी कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इससे हम टॉपिक बनाए हैं और इससे क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आता है वो लास्ट में मुख्य बिंदु के रूप में लिखा हो। तो ये बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्रम वाइज घटना, ठीक है, कि बिहार प्रांत की मांग क्यों है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स में पत्रिका में एक छपा था, ठीक है, कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए और यही मांग किया गया था। ठीक है, तो बिहार टाइम्स के संपादक उस समय कौन थे? महेश नारायण थे। ये क्वेश्चन बार बार आता है बीपीएससी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उनके मुख्य सहयोगी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसी वर्ष बिहार के जो उपराज्यपाल थे, जब बिहार प्रांत की मांग की गई थी उस समय चार्ल्स इलियट थे, ये भी याद रखिएगा, को ज्ञापन दिया गया जो स्वीकृति नहीं दिया कि बिहार अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, बिहार को अलग क्यों किया जा रहा था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा कि बिहार को अलग इसलिए मांग की जा रही थी क्योंकि इसके पहले जो मुगल काल में जो था बिहार वो अलग सूबा था। ठीक है, जब ये बंगाल के नवाबों के अधीन चला गया तो ये मुख्य रूप से बंगाल प्रांत में चला गया। ठीक है, और बंगाल प्रांत में जाने के कारण जिसके फलस्वरूप बिहार में बंगालियों का हर क्षेत्र में वर्चस्व हो गया, बंगाल के लोगों का यहाँ बिहार के क्षेत्र में वर्चस्व हो गया। और चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो, क्षेत्र हो या डॉक्टर वकालत अन्य नौकरी में भी, प्रशासनिक क्षेत्रों में भी उन लोगों का वर्चस्व हो गया बंगालियों का। तो इसीलिए लगा कि बिहार वासियों को हमें इन क्षेत्रों से वंचित रह जाना पड़ रहा है, अंत बिहार अलग प्रांत मांग किया जाए और हम अपना विकास करेंगे तभी। तो धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा ये मांग और लगभग एक दशक के बाद 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया गया दो भागों में लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये भी क्वेश्चन आता है कि 1905 में बंगाल बिहार का विभाजन इसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि दो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय, बिहार सॉरी बिहार का नहीं, बंगाल का विभाजन होता हुआ था वो पूर्वी क्षेत्र में, जो कि पूर्वी क्षेत्र अभी मुस्लिम बाहुल्य और पश्चिमी क्षेत्र, अभी भी देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में जो कलकत्ता है उसमें मुस्लिम बाहुल्य है और पश्चिमी क्षेत्र जो है बिहार हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन इस निर्णय को राष्ट्रवादियों ने जमकर विरोध किया था, ठीक है। और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद एक स्वदेशी आंदोलन, वो बोले कि नहीं हमको बिहार अलग दीजिए, मुस्लिम और हिंदू में नहीं बांटिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रवादियों के द्वारा जमकर विरोध किया गया। और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद एक स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन उग्र रूप विकसित हुआ, जिसके फलस्वरूप बिहार को अलग प्रांत को अलग करने के लिए क्रांतिकारी आतंकवाद एक संगठन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रांतिकारी आतंकवादी का उदय कब हुआ, ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था लगभग। और यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है, कि किसके समय बिहार एक अलग सूबा था, तो ये मुगल काल के समय, ठीक है। और बिहार का अलग प्रांत की मांग कब और कैसे हुई, तो 1894 ईस्वी में मांग की गई थी बिहार टाइम्स के माध्यम से, जिसके महेश नारायण संपादक थे और उनके सहयोगी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे, तो महेश नारायण जी थे। और बंगाल विभाजन कब हुआ और किसने किया, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। और बिहार के अलग प्रांत की मांग के समय उपराज्यपाल कौन थे, तो लॉर्ड इलियट थे। और बिहार बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो यहाँ 1905 ईस्वी में। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोई भी घटना का ये नोट्स बनाइए तो उसको आप थोड़ा लाइन बाय लाइन सजाइए कि हाँ कैसा हुआ क्या हुआ, ज़्यादा छोट उसको शॉर्ट कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो भी अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्तों के साथ, अपने चैनल के साथ बने रहे।